गुड इवनिंग स्टूडेंट, सेमेस्टर थ्री का सिलेबस आ चुका है विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए, जिनका मैथ्स मेजर पेपर है उन लोगों के लिए। बाकी तो भी आ गया है, बट हमें मैथ्स मेजर पेपर वालों से विशेष रुचि है। तो मैथ्स मेजर पेपर वालों का देखिए, 22 से 26 सेशन आ चुका है सिलेबस। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। इस सेमेस्टर थ्री में टोटल आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। पहला मेजर पेपर 4 पढ़ना है, ठीक है ना, मेजर पेपर 4, MJ4। इसमें क्या पढ़ना है मुझे, तो इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जब सिलेबस देखेंगे आगे हम बताएंगे, तो इसमें आपको पढ़ना है मेजर पेपर 4 में डिफरेंशियल इक्वेशन, मेजर पेपर 5 में मल्टी वेरिएट कैलकुलस। ये दोनों ही मैथ्स का पेपर है, तो मेजर पेपर 4, मेजर पेपर 4, इसका भी क्रेडिट 4 है, इसका भी क्रेडिट 4 ही है, ठीक। और इसके बाद एक माइनर पेपर है। माइनर पेपर में यहाँ पे जिस तरीके से सेमेस्टर 1 में 1A था, यहाँ पे 1B है। तो हो सकता है कि माइनर पेपर में आपको जैसे केमिस्ट्री की जगह पे आप फिजिक्स हो, या फिजिक्स की जगह पर केमिस्ट्री हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, वो आपने क्या माइनर पेपर इससे पहले चूज करा, IRC क्या चूज करा था, उसके हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। फिर MDC और फिर यहाँ पे बाकी सारे पेपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट, इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कुल 6 पेपर पढ़ना है। बाकी मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 का सिलेबस क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मेजर पेपर 4 यहाँ पे बात करें, MJ4 डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें यूनिट 1 में देखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड बहुत, इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जैसे और भी बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। तो यहाँ पे यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 2 में सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। इस यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा, इस यूनिट से 2 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। फिर अब अगले यूनिट में बात करेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे 2 क्वेश्चन, इससे 1 क्वेश्चन। तो ये तो ठीक है सिलेबस मेजर पेपर 4 का, इस तरीके से आप आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मेजर पेपर, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर के मल्टी वेरिएट कैलकुलस होगा, ठीक है, मल्टी वेरिएट कैलकुलस, ठीक है। तो मल्टी वेरिएट कैलकुलस मेजर पेपर 5 है। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना यूनिट 1 में 1 क्वेश्चन है, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ना, डिफरेंशिएशन या डिफेंसिबिलिटी बोल सकते हैं, इसमें पढ़ना है, इसमें से 1 क्वेश्चन है। सिलेबस का PDF धनबाद मैथ्स टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। फिर आप यूनिट 3 में आएंगे तो एक्सट्रीम ऑफ फंक्शंस पढ़ना है, फिर डबल इंटीपल इंटीग्रल पढ़ना है, सबसे एक क्वेश्चन है। फिर अब आएंगे यहाँ पे टोटल 6 यूनिट है और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक यूनिट यहाँ पे छूट रहा है जो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक वेक्टर कैलकुलस भी है जो यूनिट नंबर 6 है, यहाँ पे सिलेबस में टाइपिंग मिस्टेक है, वो नहीं दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दे ही दिया गया, यहाँ दे दिया गया यूनिट सिक्स यहाँ पे है यूनिट सिक्स जो है ग्रीन सियम, यहाँ से एक क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन यूनिट 5 से है, तो टोटल 6 यूनिट 6 क्वेश्चन। तो इस तरीके से मल्टी वेरिएट MJ5 जो है इस तरीके से चल रहा है। अब थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न बता दें, जिस तरीके से सेम सेम टू में एग्जाम होता है, सेम एग्जाम अभी भी आप लोग का वैसा ही होगा। ग्रुप ए ग्रुप बी में क्वेश्चंस रहेगा, 75 मार्क्स का मेजर पेपर का एग्जाम होगा। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चंस होंगे, 1, 2 और 3। पहला क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर के लिए होगा, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट में। फिर दूसरा अकेला 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, फिर ये भी 5 नंबर का, टोटल फाइनली तीनों मिलाकर के 15 नंबर हो गया। और इधर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग, जिसमें से कोई भी आपको 4 को सॉल्व करना है, 15 चौक 60 नंबर, इधर 15 और इधर 60, 75 नंबर। फाइनली ये वाला जो है कंपल्सरी है, इसमें ऑप्शंस नहीं है आपके पास, इसमें आपके पास ऑप्शंस है कि एनी 4, कोई भी आपको 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस यही था इस तरीके से सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4 मेजर पेपर 5 सिलेबस रहा है। बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछ जाएंगे वो पैटर्न समझा आपने। बाकी आने वाले 28 सितंबर से हम लोग इसका क्लास भी शुरू कर रहे हैं धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन पर। तो जो बच्चे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी धनबाद मैथ्स अकेडमी ऐप में जाइए, वहां पे सेमेस्टर 3 का कोर्स होगा दोनों ही पेपर के लिए। आपको एक ही कोर्स में एनरोल होना है, सैम 3 का VBU के लिए स्पेशली, विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली एक कोर्स है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं हमारे साथ पूरे सेमेस्टर 3 के कंप्लीट कोर्सेज को, ठीक है। बस यही जानकारी था, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम लोग डेडिकेटेड नोटिफिकेशन और फिर कोर्सेज वगैरह लाते रहते हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।